अयोध्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी का द्वादश वर्षीय नागपंच समारोह का आगाज हो गया। 3 दिवसीय नागपंच समारोह में 100 से ज्यादा नवयुवक साधुओं को नागा की उपाधि प्रदान की जाएगी। 12 सालों में एक बार सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में नागपंच समारोह का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन नागा साधुओं को दीक्षा देने के लिए किया जाता है, जिसमें 12 साल तक बाल्यावस्था से हनुमानगढ़ी में साधु के रूप में जो सेवा करते हैं उनकी कड़ी परीक्षा के बाद उन्हें नागा की उपाधि दी जाती है। सुबह हनुमानगढ़ी से सागरिया और उज्जैनिया पट्टी के सैकड़ों साधुओं ने सरयू नदी के तट तक निशान यात्रा निकालकर सरयू निशान के साथ स्नान किया। अनादिकाल से अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी का परंपरा रहा है कि यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। आज भी 12 साल के बाद यह शुभ घड़ी आई है जो हमारे अखाड़े श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में परम पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी के द्वारा नए 100 नागाओं को 28 तारीख को आज भी कार्यक्रम है और 28 तारीख को भी महाराज श्री महंत ज्ञानदास जी के द्वारा उन्हें माल्यार्पण करा के इसी चरण पादुका पर शपथ दिलवाई जाएगी अपने धर्म अपने संप्रदाय अपने भेष की रक्षा के लिए। नागापना महोत्सव होता क्या है? नागापना महोत्सव वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति अपने भगवान अपने गुरु के प्रति भगवान के प्रति माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा सेवा भाव भक्ति और अपने धर्म के ऊपर अगर कुठाराघात हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देनी चाहिए। और इसलिए इनमें 12 वर्षों तक जो भी बच्चे होते हैं धीरे धीरे 12 वर्षों तक इनके अंदर कूट कूट व संस्कार भरे जाते हैं, जिससे आने वाले समय में आताताइयों का पापाचारियों का नाश कर सके धर्म की स्थापना कर सके।